मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम के तहत विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का हितलाभ वितरण और नगरीय निकायों में विभिन्न विकास कार्यों का ई भूमि पूजन और शिलान्यास किया। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के जरिए सीएम के संबोधन को स्थानीय ऑडिटोरियम में उपस्थित जनों द्वारा देखा और सुना गया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव, सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह सहित कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और हितग्राही व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर हितग्राहियों को लाभ वितरित कर प्रमाण पत्र सौंपे गए, जिसके तहत प्रमोद साहू, प्रेमचंद और रहीस खान को पीएम स्वनिधि योजना में 10,000 रुपए का ऋण वितरण किया गया। इसी तरह 4 स्व सहायता समूहों को पोर्टल के जरिए 10,000 रुपए की आवर्ती निधि का भुगतान किया गया, जबकि 8 हितग्राहियों को पथ विक्रेता प्रमाण पत्र सौंपे गए। इस दौरान लगभग 220 लाख रुपए की राशि के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। दो कार्यक्रम थे, पहला तो एक अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो 75वीं वर्षगांठ पूर्व संध्या है जो आज़ादी की हमारी, तो उसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो अमर शहीद हैं उनको याद करते हुए देश को उनके जो अपेक्षाएँ थी, जो उनकी इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया, उनसे प्रेरणा लेकर के उनको सम्मान दे करके हम अपने देश को अपना सम्माननीय और अग्रणी देश बनाने के लिए संकल्प हों, ये उस तरह का कार्यक्रम था। तो उसमें सभी से अनुरोध किया गया, सभी नागरिकों से मेरी तरफ से अनुरोध है कि आप लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने भारत देश को विश्व में सबसे अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान दें और अपना काम बेहतर तरीके से करके तेज़ी से विकास के कार्य करें। दूसरा जो आज एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है वो नगरोदय अभियान के तहत एक कार्यक्रम हुआ है। नगरोदय अभियान में पूरे नगरीय क्षेत्रों में जो विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, संबल योजना है, पेंशन योजना है, या जो और पात्रता पर्ची से रिलेटेड योजनाएं हैं, या जो विकास के कार्य हैं जो शहरी क्षेत्रों में किए जाने हैं, उसके बारे में हर एक वार्ड वार सूचियों का संधारण होगा, उनका वाचन होगा, और अगर लोग उसमें पात्र रखते हैं, पात्रता है, तो उनको जोड़ा जाएगा, और जो लोग अगर पात्रता से वंचित हो रहे हैं तो उनको भी जोड़ने के काम होगा। अगर किसी को पेंशन वगैरह स्वीकृत है, नहीं मिल रही है, तो भी वो काम होगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में जो उनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रथम किस्त की राशि उनके खातों में डाली गई है, तो अपने आवास को पूर्ण कर पाएंगे।